हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपसे प्लांट्स के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम आपसे एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि हम आपसे हर तरह की वीडियो शेयर करते हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो, चाहे वो एनिमल्स की हो, चाहे वो कोई अलग जानकारी देनी हो प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में, तो ऐसे ही आज हम आपसे एक नई जानकारी शेयर करेंगे। आपको अगर इस तरह से काफ़ी सारे पक्षी दिखाई देते हैं उड़ते हुए आसमान में, तो आपको लगता है पता नहीं क्या बात है, इतने सारे पक्षी क्यों उड़ रहे हैं। ऐसा वहाँ पर भी होता है जहाँ पर ज़्यादा कूड़ा फेंका जाता है, जैसे कि कोई बड़े बड़े शहर होते हैं उनसे दूर बाहर कहीं कूड़ा फेंका जाता है, तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे पक्षी मंडराते हुए आपको दिख जाएंगे। लेकिन एक सोसाइटी में ऐसा क्यों होता है या एक कॉलोनी में ऐसा क्यों होता है? काफ़ी सारे पक्षी आपको वहाँ पर भी उड़ते हुए नज़र आते हैं जहाँ पर कोई चीज़ सड़ रही होती है, जैसे कि कोई जानवर मर जाता है, तब भी वहाँ पर काफ़ी सारे पक्षी आपको उड़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सोसाइटी में या कॉलोनी में या मोहल्ले में अगर इस तरह के पक्षी उड़ते हैं, तो काफ़ी लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। तो काफ़ी सारे पक्षी आज हमें उड़ते हुए दिखाई दिए और दिन लगभग छिपने ही वाला है, तो हमने सोचा अपने व्यूअर्स से ये शेयर करते हैं। इसमें चील भी हैं, कौवे भी हैं, और जो किंगफिशर होता है, जो हमने इस पर एक वीडियो भी शेयर की है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए, वो भी इसमें है। हर तरह के पक्षी हैं, और इसमें छिपकली भी होती हैं जो कि ज़मीन पर या दीवार पर होती हैं, और इसमें बंदर भी होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ है जो ये इतने सारे सब यहाँ पर जमा हुए हैं? दरअसल इनकी यहाँ पर दावत हो रही है। आज जब बारिश पड़ती है और थोड़ा ज़मीन में पानी चला जाता है, तो उसके बाद आपने अक्सर देखा होगा चींटियाँ निकलती हैं, जो पंख वाली चींटियाँ होती हैं, उड़ने वाली जो चींटियाँ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलती हैं। और ये शाम के समय ही होता है अक्सर, जब दिन छिपने वाला होता है तो वो उड़ती हैं, उनके पंख जब निकल जाते हैं तो वो आसमान में उड़ती हैं, और उनको खाने के लिए ही यहाँ पर ये चील, कौवे, किंगफिशर जो होता है, और बंदर और छिपकली, ये सब इस तरह के जो जानवर हैं, ये सभी उनको खाने के लिए आते हैं। ये छिपकली भी आप देख सकते हैं, इसके मुँह में भी वो पंछी है जो छोटी सी एक चींटी होती है और उसके पंख निकल आते हैं, तो ये इनका भोजन होता है। इसमें काफ़ी प्रोटीन होता है, इसीलिए बंदर भी इनको खाते हैं, और जितने भी पक्षी हैं सभी इनको खाते हैं। और ये देखिए, इस तरह से जब ये अगर किसी पक्षी के मुंह से छूट जाती हैं, गिर जाती हैं, तो इस तरह से ये चींटियों का भोजन भी बन जाती हैं। तो ये जानकारी आप सभी से शेयर करनी थी, और बहुत अच्छी जानकारी है। काफ़ी व्यूअर्स को पता भी होगा, काफ़ी व्यूअर्स को नहीं भी पता होगा। तो देखिए, अब इनकी भी दावत होगी, तो इस तरह से इसमें सबका पेट भरता है, और ये एक प्रकृति का नियम है। तो ये बात जानकारी आपसे शेयर की। अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू।